हकीम रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आसमन आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ और प्रॉब्लम ज़्यादातर हम ये जो नौजवान लोग हैं इनमें सबसे ज़्यादा शिकायत आती है स्पर्मेटोरिया यानी कि धातु छीणता। धातु छीणता दोस्तों क्या होता है, अधिक तली भुनी चीज़ें खाने से, गर्म बादी चीज़ें खाने से भी हो सकती है, या अश्लील साहित्य पढ़ने से, अश्लील चलचित्र यानी कि पोर्न मूवी देखने से भी ये समस्या होती है। कई कारणों से होती है, या अश्लीलता में ज़्यादातर जिनका बचपन गिरफ्त में आ जाता है उनके ये प्रॉब्लम आती है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जवानी में लड़के बूढ़े देखने लगते हैं, उनका शरीर विकास नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी नज़र आती है, शरीर इतना दुबला और निर्बल हो जाता है कि वो ठीक से जल्दी टाइम पर उठ नहीं पाते हैं, बीपी लो रहता है, हड्डियाँ चट-चट होती हैं, काम में मन नहीं लगता है, तमाम शिकायतें हो जाती हैं। तो ऐसे में नीम हकीम लोग क्या करते हैं, उनको दवाइयाँ देते रहते हैं, पैसे लूटते रहते हैं। तो मैं एक बहुत नॉर्मल सा नुस्खा जो सभी के लिए कामयाब है, क्योंकि हर दवाई हर किसी को सूट नहीं होती, तो आज एक ऐसी जड़ी बूटी का दोस्तों वर्णन कर रहा हूँ जो फ़ायदा करेगी और सभी लोगों को करेगी। और नॉर्मल सा फार्मूला है, फ्री का फार्मूला है, तो आप इसका प्रयोग करिए। प्रयोग करना भी बहुत सरल है और जब भी इसका प्रयोग करें तो प्लीज़ गंदी चीज़ों से दूर रहें, यानी कि अश्लील चीज़ों से दूर रहें, गंदी वीडियो या जो दोस्त गंदी बातें करते हैं लड़कियों से उनसे भी दूर रहें, क्योंकि इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ मन के विचारों को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और प्लस सिगरेट दारू वगैरह छोड़ना पड़ेगी और कुछ परहेज हैं, गर्म तली आदि भुनी चीज़ों का भी सेवन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए कौन सी जड़ी बूटी है, ये देखिए, इसको बोलते हैं दूधी। ये बड़ी वाली दूधी है, एक छोटी किस्म की भी दूधी होती है, और इसको तोड़ने पे इसमें दूध निकलता है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से आपको दिखाई देता होगा कि मेरी उंगली पे ये दूध निकल रहा है। ठीक है, और इसको पहचान लीजिए, इस पर फूल भी आया हुआ है। ये देखिए, अच्छे से पहचान कर लीजिए, इसको बोलते हैं दूधी। जब भी जहाँ से भी तोड़ते हैं इसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। ये देखिए दूध निकलते हुए। ठीक है, एक और तोड़ के दिखा देते हैं, ये वाला। खूब अच्छे से पहचान कर लीजिए, बहुत क्लियरिटी से मैं कैमरा डाल रहा हूँ, अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तोड़ा, ये दूध निकला। अच्छा दोस्तों, इसका करना क्या है, आपको करना ये है, ये दूध ही आपने ले ली, इस तरह से इसके फूल छुटा देना, क्योंकि फूल में हो सकता है कोई महीन कीड़ा हो जो दिखाई ना देता हो। अच्छे से इसको साफ़ करना, इसकी ये पत्तियाँ लेके, और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, पानी से खूब अच्छे से धो लेना, और उसके बाद इसको पीस के इसकी चटनी बना लीजिए, चाहे आप ग्राइंडर से बनाइए, चाहे किसी और माध्यम से, सिलबट्टे से बनाइए। इसमें क्या करना है, मिश्री डोरे वाली मिल जाए उसको मिला लीजिए, लगभग एक तोला ये हो जाएगी चटनी, उसमें एक तोला मिश्री। मिश्री ना मिले तो कच्ची शक्कर खांड भी मिला सकते हैं, अगर बाय चांस वो भी नहीं मिलती है तो आप इसमें जो घर में शक्कर होती है ना, शुगर, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी ना मिले तो आप इसको सिंगल ही यूज कर सकते हैं। इसका प्रभाव पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा और जड़ से इस समस्या का समाधान लगभग एक हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। अकॉर्डिंग अगर आगे ज़रूरत और पड़ती है, समस्या थोड़ी रह जाती, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या हानि नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपसे बस ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको एक से एक अच्छी वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अमन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है, धन्यवाद।